ये हो गया 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ में हो गए 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, यहाँ से मिला लिए। सनी मार आ गया। ओहो, सारा हिसाब 0-0 कर दिया यार। अब फिर से शुरू से करना पड़ेगा मुझे। अरे कौन सा हिसाब कर रहे हैं यार? मैं ये सोच रहा था कि शहजादी को भी अपने साथ मिला लूं तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उफ, बेहतरीन घर आ जाएगा उसमें, और वहाँ पे मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस भी खोल लूंगा, और शहजादी तो वैसे ही मेरे साथ काम करनी है। वाह वाह वाह, पहले शहजादी से तो पूछना उसको आपके साथ काम करना है या नहीं, ऐसे ही हिसाब कर रहे हैं। अच्छा, मतलब शहजादी मेरी बात नहीं मानेगी? तो और नहीं तो क्या, शहजादी ने कहा है वो अलग रहेगी, अलग घर में। हम तीनों भाइयों के होते हुए वो अलग घर ले लेगी। मुझे तो आप लोग की समझ ही नहीं आती, कभी आप कहते हैं कि मैं रहूंगा भाईजान के साथ, फिर कहते हैं मैं शहजादी के साथ रहूंगा। मैं चाहते क्या हूँ? नहीं, भाईजान के साथ रहेंगे तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। अगर उनके पैसे मिल गए हमारे पैसों के साथ तो तकरीबन 6 करोड़ रुपए में बेहतरीन घर मिल जाएगा। वाह वाह वाह, अब शहजादी कहाँ गई, उसे अकेला छोड़ दोगी? शहजादी को क्यों अकेला छोड़ूंगा, उसको भी साथ मिला लेंगे, तकरीबन 7.5 करोड़। अच्छा, और बड़ी आपा मिल जाए तो? 9 करोड़। हीरा भाभी मिल जाए तो? 12 करोड़। दुकान वाला घर मिल जाएगा। क्या ही बात है, बिल्कुल शहजादी हाउस जैसा। हाँ ना। वाह वाह वाह, तो फिर घर लेने की जरूरत क्या है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे बैंक है, और सारे मिलजुल के शहजादी हाउस में रहते हैं, बेचने की क्या जरूरत है? अंग्रेजी समझ में आती है? ओ हाँ, एक्सक्यूज मी, कह तो सही रही थी, लेकिन वो 0-0 क्या था ये तो देखूं मैं। करना क्या है, तुम्हारे ज़हन में क्या है? फिलहाल तो मेरे जहन में ये है कि अपने मौकफ पर डटी रहूं, ताकि ये लोग शहजादी हाउस बेचने से तो बाज आ जाए। लेकिन अगर कोई और रास्ता निकल जाए तो? अरे अमाल, तुम कब आए? भाई बस अभी आया। ओ, और शहजादी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है? वाह भाई। जी भाभी, वो थकन हो रही थी तो फिर मैंने चाय की फरमाइश कर दी। भाई फिर तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि शहजादी ने तो घर का खाना बनाने से इनकार कर दिया और यहाँ तुम्हें चाय बना के पिलाई जा रही है। भाभी, चाय बनाना बहुत आसान काम है, अगर आप भूल गई हैं तो मैं सिखा दूंगी आपको। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चाय बनाना नहीं आती? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप बड़े अरसे से किचन में आई नहीं है तो मुझे लगा भूल गई होंगी। तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से। बाहर से चाय मिलती जरूर है, लेकिन उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। भाभी तो क्यों नहीं, अमार हमें लेके जाएगा ना, बल्कि मैं सिला को भी फोन कर देती। जी जी अभी कर लें सिला को फोन, लेकिन उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, तो अगर उसे देर हो जाएगी तो बेहतर यही है कि आप लोग बाहर डिनर पे चले जाएं। कल तो डिनर किया था शहजादी, अब क्या रोज बाहर खाएं? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ घर में ही बना दूंगी। घर में बनाएंगी आप? तो फिर भाभी जल्दी सोच लें क्या बनाना है, अंसार भाई को चीजें लेने भी तो भेजना है बाहर। हाँ सोच रही हूँ। अमार तुम क्या खाओगे? मैं अरे अमार, तुम वो बहुत शौक से खाते हो ना पुलाव। पुलाव पुलाव खाली थोड़ी अच्छा लगता है, उसके साथ शामी कबाब होना तो जरूरी है। बिल्कुल सही भाभी, वैसे मेरा दिल भी चाह रहा था कि पुलाव के साथ अगर शामी कबाब हो जाए। पुलाव और शामी कबाब? अरे भाभी बहुत टाइम लगता है, तो मैं तो कहती हूँ अभी से अंसार भाई को चीजें लाने के लिए भेज दे। अच्छा सामान क्या क्या आएगा? अरे यूट्यूब पे बेशुमार रेसिपीज हैं पुलाव और शामी कबाब की, आप देखें और मंगवा लें। अच्छा मैं देखती हूँ। भाभी अमार और शहजादी साथ है तो क्या अमार शहजादी को समझा लेगा? ओहो, क्या पता दोनों आपस में दूसरे की बात मानते हैं। अरे रहने दो, जब तक ये शहजादी हाउस नहीं बिकता ना कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी बड़े मामा और शहजादी ने कामों से भी हाथ उठा लिए। हाँ तो शहजादी ने कह तो दिया है साफ साफ कि अगर तो साथ रहे तो ठीक है, वरना सब अपने काम खुद कर ले। अरे भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ रात के खाने का क्या कर रहा है? मैं भाई, ये शहजादी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है, मुझे तो अंदाजा नहीं था उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। क्या हुआ हीरा भाभी? एक कप चाय बनाने की भी तो रवादार वो है नहीं। मैंने अमार से पूछा कुछ खाएगा तो उसने कह दिया शामी कबाब और पुलाव, तो मैडम मुझसे कह रही है कि यूट्यूब पर रेसिपीज निकाल के बना दो। है?
ये शहजादी को हो क्या गया? बस जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है हमने और कुछ नहीं। हेरा भाभी, अब घर बिकने तक ना सबको अपने काम खुद करने होंगे। वो तो कह रही है कि मैं अंसार को भेज के सामान मंगवाऊं शामी कबाब का। अरे भी क्या हो गया, शामी कबाब बनने में टाइम लगता है ना, तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अमार बाहर का खाना नहीं खाता है उस्मा। तो कोई बात नहीं, मैं बड़े मामा से कहती हूँ वो सामान ले आएंगे। अरे वो तो साफ साफ मना कर दिया उन्होंने पहले ही। लेकिन अंसार कभी भी सामान के लिए नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो तो मैं अबरार से कह देती हूँ वो सामान ले आते हैं, आप टेंशन क्यों ले रही है। अच्छा लिस्ट तो बना ले पहले। हाँ भाभी जान प्लीज, ये खाना वाना मैं नहीं बना सकती। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं और भाभी मिलकर बना लेंगे। हाँ ये ठीक है, आप लिस्ट बना दे, सामान मैं जाके ले आती हूँ। चल जाके पेन पेपर लेकर आ। जी भा। जी बात है वैसे। अच्छा तुम क्या बता रहे थे, घर बचाने का और क्या तरीका? शहजादी मैं सारे रास्ते यही सोचता आ रहा था, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी पॉसिबल है। क्या मतलब है, ऐसा क्या है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? क्या कहा तुमने, शैतानी दिमाग? अच्छा भाई नहीं है कोई शैतानी दिमाग तुम्हारा, बहुत साफ सुथरा दिमाग है। अब बताओ क्या था। ये हुई ना बात, अब बताता हूँ। कोई अहमकाना बात ना करना। अरे पहले सुन तो लो। अच्छा चलो मैं अब नहीं बोलूंगी, बताओ। देखो शहजादी, अगर तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ जाए और तुम उसके लिए हाँ कर दो, लेकिन एक शर्त रख दो कि तुम्हारी शादी इसी घर में होगी और शादी डिले हो जाए। अरे मतलब आइडिया है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, तुम बताओ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा मतलब तुम्हें मेरा आइडिया समझ आ गया? हाँ भाई समझ में आ गया। यस। आइडियाज तुम्हें अच्छे ही देता हूं, वो अलग बात है कि तुम्हें समझ में नहीं आती। हेरा कहाँ जा रही हो? वो मैं जरा मार्केट जा रही हूँ ग्रोसरीज के लिए। ग्रोसरी? बड़े मामा और शहजादी ने तो बॉयकॉट किया हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम्हें पता है कहाँ से मिलती हैं ग्रोसरीज? अंसार बच्ची नहीं हूँ मैं। मैं चलूँ? नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। तो खाना कौन बनाएगा? भाभी जान और उस्मा बना रहे हैं खाना। अच्छा ओके अल्लाह हाफिज़। चलो सेट है फिर। ए उस्मा हट हट यहाँ से। भाभी जान आराम से। एक तो शहजादी ने अजाब डाल दिया ये खाने के अजाब देख, और ऊपर से हमारे को पुलाव खाना है। हे भाभी ये क्या इतने मसाले निकाल के कर रही हैं? अब वो अमार ने कहा था ना उसको पुलाव खाना है और साथ में शामी कबाब, तो हेरा भाभी को तो बनाने नहीं आता, तो मैं और भाभी जान बना रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, बन जाएगा ऐसे? हाँ, बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, और इन मसालों के अलावा दूसरे मसाले उसके आपके। पता है मुझे मसाले कहाँ रखे, मुझे नहीं पता होगा। मुझे बुरा लग रहा है। अरे बुरा क्यों लगने की क्या बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे खाने की फरमाइश करो। तो भाभी अगर ज़ाफ़रानी पुलाव बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ज़ाफ़रानी पुलाव? क्यों नहीं तुम हुक्म तो करो, सब बन जाएगा। तो ज़ाफ़रान जो है ना वो ये वाले कैबिनेट में रखते हैं, वो असल में कीमती होता है ना, तो उसको थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है। पता है मुझे, पता है। जबरदस्त। शामी कबाब तुम चिकन के खाओगे या मटन के? पुलाव मटन का, और शामी कबाब तो बीफ के ही अच्छे लगते हैं। तो सामान कौन लेने के है? हीरा भाभी। तो आप उनको बोले चिकन मटन बीफ तीनों चीजें ले आए, क्योंकि बच्चे तो बीफ खाते नहीं है, तो उनके लिए शामी कबाब चिकन के बनेंगे। हाँ तो क्या मसला, बना लेंगे। मंगवा लेंगे। चलो हम बाहर चलते हैं। चलो हाँ गुड लक। थैंक यू। हाँ जी बना लेंगे, जा बनाओ। तो बना लूंगी। तो क्या है मसला? ये क्या मसाला? तो जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही थी तुम सबके सामने, हम ये भी बना लेंगे, वो भी बनाना। तो भाभी मेहमान आया, अच्छा थोड़ी लगता है दुश्मन को बताएं क्या। बनाओ ना, जाओ ना, खड़ी हूँ ना मैं यहाँ, बनाओ। गरम मसाला? उस्मा बकवास नहीं करना, अब खाना पका ले अब जाकर। हाँ बरार, क्या बात करनी थी तुमने?
भाईजान, मैंने सारी सिचुएशन को बड़े गौर से सोचा है, क्यों ना आप और मैं अपना अपना हिस्सा मिलाकर मुश्तरका तौर पे एक बड़ा घर ले लें, बल्कि शहजादी को भी इसमें मिला लें। फिर तो अंसारी पीछे रह गया, उसको भी साथ मिला लेते, सब इकट्ठे रहते। हाँ, अंसार भाई को भी अगर हम साथ मिला लेते हैं तो बेहतरीन, फिर तो हमारे पास 10.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अरे हाँ, बेहतरीन सोसाइटी में 400 गज का 2 मंजिला मकान मिल जाएगा हमें। ये आइडिया तो अच्छा दिया आपने। अरे जब सबको साथ रहना है तो फिर शहजादी हाउस क्यों बेच रहे हो? यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हम शहजादी हाउस बेच क्यों रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक बात और आई है। आप कोई अहमकाना बात मत करना। अरे बहुत अकलमंदाना बात है, सुनिए तो सही। सबसे पहले हम शहजादी हाउस को बेचेंगे, बेचने के बाद हम बड़ी आपा और शहजादी का हिस्सा उनको वापस करेंगे। ठीक है। फिर हम चले जाएंगे किराए के मकान पे, 9 करोड़ आ जाएगा हमारे हाथ में। इससे हम करेंगे ऑनलाइन बिजनेस, और आप मेरा यकीन करें, किस तरह से मैं करोड़ों रुपए को डॉलर में बदल दूंगा तस्वुर नहीं कर सकते हैं आप। खोलेंगे सुपर स्टोर और सारे पाकिस्तानी आइटम भेजेंगे दबादा। वाह वाह बेटा, हम भाइयों के पास सिर्फ ये घर ही तो बचा है, उसको भी तुम डुबोना चाहते हो है? लगता है आइडिया पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, ये आइडिया ले लीजिए, हम खोलेंगे एक बेहतरीन सा रेस्टोरेंट, लेविश। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, फिश स्टेक, पूरा कराची वेटिंग पे बाहर खड़ा होगा रेस्टोरेंट के। बेटा जरा जमीन पर आ जाओ, आसमान पर रहे तो ऐसा ना हो ऊपर ही निकल जाओ। अब हो गई ना सारी बातें, जाओ जाके देखो खाना कौन बना रहा है रात का। शहजादी बना रही होगी, और कौन बनाएगा भाईजान? शहजादी ने खाना बनाने से मना कर दिया, और बड़े मामा तो काम करते नहीं है। जाओ जाके देखो घर की औरतें क्या कर रही, जाओ। अच्छा, मतलब इस घर में मेरा यही काम रह गया कि मैं जाके देखूं औरतों? बबरार, जा रहा हूं भाईजान। ओह पागल कर दिया। शहजादी तुम इतनी जालिम हो सकती हो, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। क्या मतलब है जालिम? क्या ये जुल्म मुझ पर और बड़े मामा पर आज तक नहीं होता रहा? वैसे मैं एक बात बोलूं, घर की सारी भाभियां ना वाकई खाना बनाना बिल्कुल भूल गई हैं। कोई बात नहीं, YouTube पे देख देख के ना सब सीख लेंगे। क्या बात है शहजादी, बहुत मुस्कुरा रही हो तुम। अभी हम तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे। क्या? I'm so sorry. अमर तुम पागल हो? रिलैक्स, चिला बुरा नहीं मानती बातों का। ऑफ कोर्स, मजाक कभी भला कोई बुरा मानता है? हाँ, और ये तो शहजादी की बचपन की आदत। तुम्हें याद है यही चीज एक बार हमने अच्छी पप्पो के साथ की थी? बिल्कुल याद आया मुझे। अच्छा तुम लोग हंसते ना, बाद में मुझे ये बताओ कि हीरा आपकी कहाँ है? वो इस वक्त गरम मसालों की तलाश में लगी हुई। व्हाट? इसका मतलब ये है कि वो मार्ट कहीं है। हीरा आपी इस टाइम पे मार्ट गई हुई है? हाँ भाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे खाने में क्या खाना है, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे पुलाव खाना है। अच्छा, शामी कबाब भूल गए? अरे हाँ, शामी कबाब भी। तो बस फिर वो पुलाव और शामी कबाब का सामान लेने गए। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि वो कहीं कढ़ाई का सामान ना ले आए। एक मिनट, लेकिन हीरा आपी को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। हीरा भाभी थोड़ी बनाएंगी, भाभी जान और उस्मा भाभी किचन में, वो बनाएंगे खाना। मैं तो ये सोच रहा था शहजादी कि उनको भी कौन सा बनाना आता है। ये तो आजकल मसालों का बिल्कुल पता नहीं चलता। भाभी जान ये नमक ही है ना? नहीं भाई, चीनी लग रही है मुझे, तुम नमक नमक कर रही हो। कहा था ना नमक, आप मेरी बात ही नहीं मानती। अच्छा ये बताएं, क्या गरम मसाला है चाट मसाला? तो समझदार देख लेना, काली मिर्च है ये। मुझे तो चाट मसाला चाहिए। भाभी जान आपने जो जो सामान कहा था मैं सब ले आई हूँ। और गोश्त? हाँ वो भी गाड़ी में लेकर आ रही हूँ। अच्छा दही और हरी सब्जी भी मैंने ले ली है। आपने मसाले कौन कौन से कहे थे? दालचीनी, इलायची, इलायची सब मैसेज किया ना। हाँ भाभी जान मैं सब कुछ उठा लाई हूँ, जरा देख आप खुद। मैं देख लेती हूँ। तुम जरा शामी कबाब का मसाला चढ़ाओ, उसके ऊपर प्रेशर कुकर रखो। तो मसाले आप डालेंगे? हाँ मैं डाल दूंगी भाई। और वो पुलाव? पुलाव तो रखो ना, पानी उबालने को रखो, अंदर गोश्त डाल दो। तो मसाले नहीं डाले? मसाले डाल दूंगी ना मैं, तुम लोग करो तो सही शुरू। हाँ भाई जल्दी शुरू करें, वरना वो लोग अपना पेट पीटना शुरू हो जाएंगे भूख के मारे। अच्छा भाभी ये क्या बताया था? घर में खाने बनवाने की क्या जरूरत थी, बाहर से तो आ सकता था ना। अरे भाई मेरी फरमाइश थी कि पुलाव और शामी कबाब बन जाए। पुलाव और शामी कबाब बाहर भी आसानी से मिल जाता है। बाजार के शामी कबाब, अल्लाह माफ करे।
बिल्कुल, और उसमें जो गोश्त डलता है ना ही पूछो। शहजादी पुप्पो, आप प्लीज अपना ये बायकॉट खत्म कर दें। हम तो भूख से मर जाते हैं। कोई नहीं मरता। भाभी जान, हिरा भाभी और उज्मा भाभी खाना बना रही हैं, वो खा लेना। पता नहीं क्या पकेगा। फिलहाल बिस्किट खाओ। बड़े मामा, इस वक्त बिस्किट कौन खाता है? मैं खाता हूँ। बड़े मामा, ये क्या ड्रामा चल रहा है? अरे भाई, अभी जो ड्रामा चल रहा है ना, उसका ड्रॉप सीन होने वाला है। क्या मतलब? अरे भाई, जो भी है तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो, और क्या। बड़े मामा, खाना कब मिलेगा? है? कभी नहीं। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ उधर, दिखाओ। कुछ नहीं है। अच्छा, बाप से बिस्किट छुपा रहे हो, वो भी बड़े मामा वाले बादामी बिस्किट। ये क्या चक्कर है? वैसे आज अगर खाना मिल गया ना, जिस शख्स को भी, वो दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी होगा, खुदा की कसम। मैं जाकर किचन में देखती हूँ। अमार ने भी ना पता नहीं कैसी फरमाइश की। अरे भाई, सादा सी फरमाइश की थी मैंने, पुलाव और शामी कबाब की। कोई पाए थोड़ी बोले थे बनाने को। हाँ, और अगर तुम पाए कह देते तो वो तो फिर पूरी रात पकते हैं और कहीं फजर को जाके मिलते। किसी गरीब आदमी को अगर फजर के वक्त भी मिले ना पुलाव, तो उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इज्तिमाई दुआ करके हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें रिस्क अता फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ करके हम सबको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम पर फाइज करे। आमीन सुमान। मैं सोच रही हूँ इसका ना गुलाब बना दूँ। ऐसा बनाऊंगी ना गुलाब, शहजादी देखती रह जाएगी। देखना हिरापी, अब तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ? सबर करो सिला, अभी तो सिर्फ 9 बजे, 9:30 हो गए। हो हो, तो हमारे यहाँ खाना 10 बजे ही लगता है भाई, तो 10 बजे तक तैयार हो जाएगा? अरे भाई, कहाँ तैयार होगा, मुझे तो नहीं लगता। कहाँ से गोश्त लाई हो हीरा, गलने का नाम ही नहीं ले रहा है। विजान, मैंने तो सारा सामान मार्ट से लिया था। ओ हो, अगर आज खाना टाइम पे नहीं खाओगी, थोड़ा लेट खा लोगी तो मर थोड़ी जाओगी भूखी। मेरा मसला थोड़ी है, बाहर बच्चे और अबरार भाई भूख से तड़प रहे हैं, और आप लोग को पता है वहाँ अमार और शहजादी भी आप लोग का मजाक बना रहे हैं। अमार भी मजाक उड़ा रहा है, उसके लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ। मेरा तो ख्याल है बहन, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। भाभी जान, ये बात पहले बोलती ना, इतनी मेहनत करवा ली हमसे, और ऐसा नहीं कर सकते हम, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मजाक उड़ाएंगे हमारा। हाँ उज्मा, बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बार हम शहजादी को दिखाएंगे हम उससे बेहतर खाना बना सकते हैं। मैं कुछ मदद करा लूँ आप लोग की? अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जरूर मदद तुम्हारी चाहिए होगी। भाभी मसाले सही से डाल दिए ना? अरे भाई हाँ, मसालों के पीछे पड़ गई है, काट जल्दी से, जल्दी करो ना तुम लोग भी। कर रही हूँ भाभी। कैसा लग रहा है? तू काट ले बस, खाने दे सबको। चार चार खवातीन बना रही हैं खाना, लेकिन और खाना है कि बन के नहीं दे रहा। भाईजान, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही, आप ऐसा करें शुगर वाली बिस्किट खा लें, थोड़ा सा लेवल बेहतर रहेगा आपका। यहाँ ये शुगर वाली बिस्किट नहीं होती, बादाम वाली बिस्किट होती है, और उसे नान खताई कहते हैं। और ये नान खताई जो है ना, बड़े मामा अपने हाथों से बनाते हैं। और तुम नान खताई को बादाम वाले बिस्किट कह रहे थे, वाह क्या अकल है तुम्हारी। बादाम खाता हूँ। और आप लोगों को पता है बड़े मामा गाजर का हलवा, अंडे का हलवा, दाल का हलवा, बहुत सारे हलवे बनाते हैं। यार क्यों ले रही हो यार ये सारे नाम, ऑलरेडी इतनी भूख लगी हुई, अब मजीद लग जाएगी। अरे सब्र करो, अभी गरम गरम पुलाव और शामी कबाब आ रहे हैं, जाओ जाके देखो किचन में क्या हो रहा है। क्या ये बात आप यकीन से कह सकते हो? वैसे एक बात तो साबित हो गई, अगर इस घर में कोई खाना बना सकता है तो वो है शहजादी। रोज सुबह सुबह हमें नाश्ता बना के देती है, हमारे कमरों में पहुंचाती है। हाँ, दिन और रात का खाना बिल्कुल वक्त पे देती थी। हाँ भाई, हमारी शहजादी जो है ना बहुत सुघर है, अब अंदाजा होगा तुम लोगों को। बस अब बहुत हो भाईजान, मैं तो खाना ऑर्डर करने लगा हूँ, इनके पास की बात। सुने सुने भाई, सब सुने, खाना तैयार है। अरे चलो बच्चों, समझाओ। चलो जी, लेट्स गो। लो भाई, मेरे कबाब तो रेडी। ओ शाबाश भाभी जान, सैलेड भी तैयार है। एक मिनट, ये इतना मोटा मोटा काटा है आपने सैलेड, तो क्या फर्क पड़ता है मोटा है, तो जाना तो पेट के अंदर ही है। अच्छा वो रायता तो रेडी है ना? नहीं। व्हाट,
रायते के बगैर तो पुलाव का मजा ही नहीं है। अच्छा मैं बनाती हूँ। अरे रुके आप, मैं बना लूंगी दही का है। बात सुनो मेरी, दही के अंदर बस जीरा डालो, रायता तैयार है, कोई लंबाई करने की जरूरत नहीं। आप लोग खाना तैयार कर ले, सब इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो इंतजार भाभी, ऐसी क्या बात हो गई, शादी में भी तो खाने का वेट करते हैं लेट तक। वेट करते हैं लेकिन खाना तो अच्छा होता है ना फिर। भाभी पुलाव तो रेडी है ना? हाँ हाँ दम पे है, मैं देखती हूँ तैयार होगा। वाह भाभी आज तो कमाल ही कर दिया, क्या खुशबू आ रही है। आज तो सबको पता चलेगा कि हमें खाना बनाने आता है और खासतौर पर शहजादी को। भाई चलो बस जल्दी करो, तुम लोग रायता लेकर आओ हैं। जी जी चल भाई आ जाओ उसमें। चले चल और डालना, ये सही है इतना। तुम वो जीरा उठाओ ना पीछे से, काली मिर्च डाल। अरे माना के देर हो गई लेकिन खाना फर्स्ट क्लास बना है, खाओ खाओ, लो ना पुलाव लो। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने पुलाव। हाँ अमार खाओ ना, तुम्हारी फरमाइश पे तो बनाया और बहुत जबरदस्त बनाया। जी जी बड़ी अम्मी पुलाव मीठा बनाए। नहीं तो भाभी जान नमक के बजाय चीनी डाल दी क्या? वो है? अरे नहीं वो शायद हो सकता है मुझे पता ना चला हो नमक की जगह चीनी डल गई है। अरे कभी तुम दोनों किचन में जाओगे तो तब पता चलेगा ना कि नमक कौन सा है और चीनी कौन सी है। अम्मी ये कबाब तो टूट रहे हैं। उज्मा तुमने कबाब में अंडे नहीं डाले क्या? हाँ शायद मैं अंडा डालना भूल गई। चल अरे कभी किचन में जाओ, कुछ सीख लो खाना पकाना, हैं? भूखा मारोगी सबको। अरे रुके, रायते के बगैर पुलाव का मजा कहाँ आएगा। लो रायता खाओ। ये बहुत अच्छा बना है, ये सब जरूर खा के देखें। ये रायता है या नहाने का पानी? बस भाई मुझे मीठा पुलाव नहीं खाना। अरे रुके तो सही ना भाईजान, बात तो सुनिए। अब मुझे भी वैसे कुछ खास भूख नहीं थी। अमार क्या हो गया, अब इतना भी बुरा नहीं बना होगा। अरे रुके तो रुके। अरे रुको ना अमार, अमार मेरी बात तो सुनो। अंसार आप तो खाना खा लीजिए। अम्मी मैं भी नहीं खा रही, आप लोग ही खाए खाना। नहीं नहीं रुको सुनो सुनो, थोड़ा सा खाओ है। अरे सुनो मैं चीनी डाल के मैं मुतंजन बना देती हूँ उसका। अरे सुन ना रोजा कहाँ रख रहा है तू? अरे भाई हम भी नहीं है खा रहे, बस ठीक है भूखे सो जाएंगे। ट्रक करा है सला को? करा है। नाराज होगी ना? कब नाराज नहीं होती वो। अच्छा शहजादी हाउस के ना बिकने के लिए तुमने कोई प्लान बनाया था? हाँ। तो किसका रिश्ता है? मेरा एक दोस्त है शुएब, उसका रिश्ता है। मंजूर है तुम्हें? मंजूर बस
फिर तो तुम्हारी शादी तक शहजादी हाउस नहीं बिक सकता। बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या शहजादी मान जाएगी? भाई जिस तरह उसने शहजादी हाउस वालों को सबक दिया है कि वो लड़की जिसे वो हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पता चला उसके बगैर एक दिन घर नहीं चल सकता। इससे ही लगता है कि अब वो शादी का सोच रही है। वो सब लोग तो हैं बेवकूफ, घर में खानसामा रख लें तो सबके मसले हल हो जाएंगे। खानसामे को वो लोग दो दिन में जहनी मरीज बना देंगे और वो अपने बाल नोच रहा होगा। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शहजादी हाउस वालों के तो होश ठिकाने आ गए। भाई सुना है सिला 3 की 4थी बनी हुई थी, रायता बनाया था उसने और जीरे की जगह सौंफ डाल देते। या अल्लाह हम पे रहम करे। भाई इकबाल बानो, आप तो कहती थी कि सिला घर के कामों की भी बहुत माहिर है। आजकल की लड़कियां ना घर के काम वाम नहीं करती हैं, ये हमारी शहजादी है जिसे नौकरानी बनने का शौक चढ़ा रहता है हर बार। खत्म हो गया ये शौक, अब देखिएगा शहजादी हाउस वालों का क्या हाल होता है। अच्छा अब हमीजान, मैं शोएब को लेके शाम में शहजादी हाउस पहुंच जाऊंगा, तो आप लोग भी वहीं आ जाइएगा। ठीक, वे अल्लाह शहजादी के लिए सब अच्छा करे। आमीन आमीन आमीन। अरे भाई नाश्ता करके जाइएगा। हाँ मैं तो सारा को छोड़ के वापस आ जाऊंगा, सारा के लिए नाश्ता बना दो। हाँ मैम जी। भाईजान भाभी आप लोग का नाश्ता। शहजादी मैं सारा और रखी को भी नाश्ता दे आई हूँ और अंसार भाई और हिरा भाभी के कमरे में भी पहुंचा दिया था। मगर तुमने तो भाई जान खत्म बॉयकॉट, आप लोग आराम से नाश्ता करें। ये मौजा कैसे हो गया? ये हम सबको सबक देना चाहती है ताकि अलग अलग हो जाने के बाद हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती है। मैंने सोच लिया, अब मैं शहजादी को सारा काम नहीं करने दूंगी। गुड, चलो नाश्ता करें। अरे भैया मैं समझ नहीं आ रही कि तुम करना क्या चाह रही हो, सबके कमरों में दोबारा नाश्ता क्यों पहुंचा रही हो? मैंने जो कल किया ना बड़े मामा, उससे सबको सबक मिल गया होगा कि अलग घर तो ले लेंगे लेकिन वहां सारा काम खुद करना पड़ेगा। और तुम्हारे ख्याल में ये बंटवारे से बाज आ जाएंगे? पता नहीं बड़े मामा, नया घर लेना अपनी फैमिली के साथ अकेले रहना ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सारी जिम्मेदारियां सर पर पड़ती हैं तो अपना पुराना घर ही याद आता है। अरे पहले तो सिर्फ अंसार और हिरा अलहदा होना चाहते थे, अब तो बाकी दो भाई जो हैं वो भी साथ नहीं रहना चाहते। पता चल गया है ना कि शहजादी हाउस 12 करोड़ रुपए में बिक रहा है तो सबके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत देखे हैं लोग बेटा, जिन्होंने अपना घर जो था उसको बेच दिया और फिर बाकी सारी जिंदगी किराए के घरों में ठोकरें खाते रहे। ये बात अभी किसी को समझ नहीं आएगी बड़े मामा, लेकिन मैंने भी क्या तुमने कुछ नहीं, आप छोड़े इन बातों को, आप बस देखते रहे। अच्छा अबरार भाई और उस्मा भाभी तो अभी तक सो रहे होंगे? हाँ सो रहे हैं, पहुंचा देंगे उनके कमरे में भी नाश्ता। सलामकुम बड़ी आपा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। क्या
ये तो बड़ी खुशी की खबर है बड़े आपा। अरे आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चलें बड़े पापा। चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि शहजादी का रिश्ता आ रहा है। अब ये कौन है जिसकी शामत लगने वाली है? अच्छा बात सुनो, अब ये नहीं होगा, पहले एक बार हो चुका है, अब तुम लोगों ने बिहेव करना है। अच्छा मैंने बता दिया, और जा जाके सारा को बुलाओ, इतनी देर हो गई है, उसको बोलो जल्दी करे, स्कूल की देर हो रही है। ठीक है बढ़िया पा, ठीक है जैसे आप कहें। हाँ जी ठीक है, होती है मुलाकात आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई? शहजादी को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं आज। सर प्लीज दोबारा ये तमाशा मत कीजिएगा। आपको याद है पिछली दफा शहजादी ने कितनी बुरी तरीके से लड़के वालों को बेइज्जत करके निकाला था? हेरा हेरा, इस दफा शायद ऐसा ना हो। वो कैसे? लड़का मार का दोस्त है। जी बड़ी आपा जी, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अबरार अबरार अबरार। नहीं मिस चूसली, मेरे पास डॉलर नहीं है। मैं आपसे डॉलर नहीं मांग रही। तो फिर मुझे सोने दो। नहीं जी, बात तो सुने। क्या? बड़ी आपा का फोन आया था। उनको कहा मैं सो रहा हूँ। ओहो, उठ के बैठे। बड़ी आपा ने बताया शहजादी का रिश्ता आ रहा है। वो शहजादी मना कर देगी। उठ, खबरदार अगर आप सोए तो। उठ के बैठे, उठे। क्या है? अम्मार के दोस्त का रिश्ता आ रहा है। अम्मार के दोस्त का रिश्ता आ रहा है? ओ अच्छा, अब मजा आएगा ना खेल का। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बड़ी बहू देखो, आइंदा जो भी काम करो वो शहजादी की मर्जी मालूम करके करो। पिछली दफा भी तुम लोगों ने जबरदस्ती उसका रिश्ता तय करने की कोशिश की, और अंजाम तुम्हें पता है क्या हुआ उसका? बड़े मामा, अम्मार का दोस्त है, अमार ही ये रिश्ता ला रहा है, मुझे बड़ी आपा ने फोन करके बताया। अच्छा भाभी जान, अमार का दोस्त है? हाँ, बड़ी आपा का फोन आया था, यही बताया उन्होंने। तो फिर तो मैं तो कहती हूँ अगर अमार का दोस्त है ना, तो फिर शादी फौरन ही कर देनी चाहिए। हाँ कर दें। बात सुनो मेरी, चाहे वो अम्मार का दोस्त हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी शहजादी की राय मालूम करना बहुत जरूरी है, पूछ लो उससे। मेरे ख्याल से बड़े मामा ठीक कह रहे हैं, हमें शहजादी की राय ले लेनी चाहिए। तो ठीक है, कर लेते हैं बात। शहजादी, तुम्हें पता है कि आज तुम्हें कोई देखने आने वाला है? नहीं। अमार अपने दोस्त को लेकर आ रहा है तुम्हें दिखाने के लिए। मैं कोई दुकान पर रखी हुई चीज हूँ भाभी कि मुझे देखने को यहाँ आएगा? शहजादी बेटा, तुम्हारी शादी के हवाले से तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, ये बताओ कि तुम्हें मंजूर है? बड़े मामा, मैंने ये कहा था कि इस घर में से अपना हिस्सा लेकर अपने लिए अलग घर बनाऊंगी। शादी का तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। शहजादी, अमार अपने दोस्त से तुम्हारी शादी करवाना चाहता है। अमार का दोस्त भी अमार जैसा ही होगा ना? सोच लो बेटा, जिंदगी अकेले गुजारना मुश्किल होता है। आपने भी तो गुजारी है बड़े मामा। हाँ, गुजारी मैंने अकेले, लेकिन उसकी वजह थी, देखो ना, जब बाजी और भाई साहब का इंतकाल हुआ उस वक्त तुम सब लोग बहुत छोटे थे, सार की अभी शादी भी नहीं हुई थी, अब कौन देखता तुम लोगों को। तो भाभी के आने के बाद भी तो कर सकते थे आप शादी। अरे बड़ी बहू, तुम ही समझाओ इसे। शहजादी, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम लोग उस वक्त बहुत छोटे थे, भाई तो तुम्हारे काम पे चले जाते थे, सारा कुछ तो बड़े मामा संभालते थे, तुम लोग को स्कूल से लाना ले जाना, खाना खिलाना, पीछे पीछे भागना। और बड़े मामा ने तो तुम्हें वाकई माँ बन के पाला है शहजादी। जमाने में बड़ी बहू ही पूरे घर को संभालती थी,
उसके साथ साथ हम बच्चों का बोझ भी तो इस पर नहीं डाल सकते थे ना। अरे बेटा भाई, इसी वजह से हम इस बात का जिक्र तुम्हारे सामने नहीं करते, उदास हो जाती है। देखो शहजादी बेटा, अम्मार बहुत अकलमंद बच्चा है और वो अगर किसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आ रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही ला रहा होगा ना। शहजादी बेटा, एक दफा और सोच लो। मंजूर है तुम? मंजूर। फिर तो तुम्हारी शादी तक शहजादी हाउस नहीं बिक सकता।